मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सिरमौर जिले का दौरा, कफोटा में एसडीएम कार्यालय और राजकीय डिग्री कॉलेज के भवन का किया लोकार्पण। कहा, 4 वर्षों के कार्यकाल में सरकार ने सभी क्षेत्रों का किया समान विकास। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की बीते कल दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट। शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सफल संचालन के लिए मंत्रालय से मांगा अनापत्ति प्रमाण। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार का गृह जिले हमीरपुर में लोगों ने किया स्वागत। सांसद ने कहा, राज्यसभा में प्रमुखता से उठाएंगे प्रदेश के मुद्दे। कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई का मुद्दा बना प्रदेश भर में किए धरना प्रदर्शन। शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। बिलासपुर में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की जिला स्तरीय बैठक आयोजित। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लिया भाग। कहा, राशन डिपुओं में जल्द उपलब्ध करवाए जाएंगे 5 किलो के LPG सिलेंडर। कांगड़ा जिला के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में चैत्र नवरात्र को लेकर तैयारियां शुरू। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिरों में स्थापित किए हेल्प डेस्क। ऊना जिला के हरौली उपमंडल के बाथू में एक बार फिर भीषण अग्निकांड। 150 से अधिक झुग्गियों में लगी आग। फायर ब्रिगेड का 1 कर्मचारी घायल। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार। लोग भीषण गर्मी झेलने को मजबूर। अगले 2 दिन कई भागों में लू चलने की चेतावनी।